हेलो फ्रेंड्स, अगर आप आर्टिस्ट हैं या फ्यूचर में आपको एक्टर या एक्ट्रेस बनना है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक आर्टिस्ट कार्ड क्या है, क्यों बना है और कब बनाने की ज़रूरत है, आज मैं इन सभी सवालों का जवाब देने वाली हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो आर्टिस्ट कार्ड आर्टिस्ट जो फिल्म या टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं वो बनाते हैं। आर्टिस्ट कार्ड बेसिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि आपके साथ काम करते दौरान किसी तरीके की दिक्कत आए, परेशानी आए, या आपके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ, या आपके पेमेंट में रुकावट आए, आपको पेमेंट टाइम से नहीं मिला, तो जिस एसोसिएशन के थ्रू आपने वो आर्टिस्ट कार्ड बनाया है वो एसोसिएशन आपके हितों के लिए लड़ती है और आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ है उसके साथ लड़के आपको आपका अधिकार दिलाती है। तो आर्टिस्ट कार्ड बेसिकली इसलिए बनाया जाता है। हम आर्टिस्ट कार्ड को एज एन लेबर कार्ड के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे लेबर कार्ड बनाया जाता है और लेबरों के साथ किसी तरीके का कुछ गलत व्यवहार होता है तो उस कार्ड के थ्रू वो लोग अपने हक और हितों के लिए लड़ते हैं, वैसे ही आर्टिस्ट कार्ड होते हैं। अगर टीवी फिल्म इंडस्ट्री में आपके साथ किसी तरीके का गलत व्यवहार हुआ, अगर आपको पेमेंट टाइम पे नहीं मिला और फिल्म की आपको फ्यूचर में फिल्म मिलेगा और आपके साथ आपकी पेमेंट जैसे कि पहले ले लेते हैं और फिर आपको फिल्म करने को नहीं मिला, आपका पैसा लूट लाट के चला गया, तो वो आर्टिस्ट कार्ड के थ्रू आप लड़ सकते हैं, आपको वो पैसा दिलाएंगे। तो बेसिकली आर्टिस्ट कार्ड इसलिए ही बनाया जाता है। मैं उन लोगों को बोलूँगी जो फ्रेशर हैं, नए हैं, तो उनको आर्टिस्ट कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले काम करिए, आप उस लेवल पे अर्न कर लीजिए, फिर आर्टिस्ट कार्ड बनाएं, क्योंकि आर्टिस्ट कार्ड बनाने के लिए भी पैसे लगते हैं। तो आप इस तरीके से मतलब पहले काम कीजिए टीवी फिल्म इंडस्ट्री में, उसके बाद आप आर्टिस्ट कार्ड बनाइए। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिस्ट कार्ड क्या होता है। फिर भी अगर आपको किसी तरीके का मतलब दिक्कत हो कि आर्टिस्ट कार्ड क्या होता है, मतलब समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैंने इसमें ये नहीं बताया कि आर्टिस्ट कार्ड कैसे बनाएं तो कैसे अप्लाई करें, तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी और जल्द ही वो वीडियो आएगा। अगर फिर ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूले। स्पेशली उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो फ्यूचर में एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।